बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और जम्मू कश्मीर की बात आज आपको बताएंगे, जहां पर सरकारी मुलाजमीन या आर्जी मुलाजमीन जो भी आप कह लीजिए, टर्म में सब ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। सरकार के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं। उसका रीज़न यह है कि जहाँ पर हम पहले देख रहे थे कि एक तरफ रहबरे खेल, रहबरे ज़रात और जंगलात मैदान में उतरे, सड़कों पर थे, बीजेपी के दफ्तर के बाहर थे, श्रीनगर के अंदर मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक वफद ने की, एक पूरा डेलीगेशन मिला, यकीन दहानियां तो जरूर कराई जा रही हैं। हालांकि ट्वीट भी ऑफिशियली किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई कि आधिकारिक तौर पर इस चीज़ की पुष्टि की जाती है कि किसी को नौकरी से बर्खास्त या निकाला नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी शिद्दत आ रही है एहतजाज में, जम्मू के अंदर एहतजाज चल रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हमारी जानकारी के मुताबिक तैयारी है एहतजाज की, क्योंकि सरकार से रिटन में ऑर्डर वो चाहते हैं कि ट्वीट से कुछ नहीं चलेगा, कल आपकी मर्जी करेगी, कुछ और ऑर्डर निकालेंगे, ये सारी चीज़ें। एक और बड़ी बात बहुत दिलचस्प है, वो ये कि इन लोगों में के साथ साथ, यानी जो आज के वक्त में आरिकीज़ हैं, सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत ये लोग काम कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर कार्यरत थे, इनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, तहसील और ब्लॉक्स के अंदर फिजिकल टीचर्स थे, ज़रात और जंगलात के डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी फॉरेस्ट, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ये तो अपनी जगह परेशानी है ही सरकार के लिए, मगर मुसीबत इसलिए बढ़ रही है, मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं, चूँकि पीएचई के जो आर्जी मुलाजिम हैं उन्होंने आपसे थोड़ी देर बाद, यानी 6 बजने वाले शाम के हैं और 6 बजे के आसपास आप देखेंगे, बल्कि 6 से 8 बजे के बीच में आप देखेंगे हड़ताल शुरू कर दी जाएगी 24 घंटों की। उस हड़ताल का मकसद पानी बंद करके काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि 30-30 वर्ष हो गए 1994 के बाद ये लोग डिपार्टमेंट में, लेकिन रेगुलर जॉब पॉलिसी सरकार के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इनमें ऐसे हैं जो आज के वक्त में डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि सरकार ने अभी तक इन लोगों को परमानेंट करने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, या महाना इनकी नौकरियों के दौरान ही इनकी सैलरीज बढ़ाई जाए, वो भी अभी तक नहीं हो सका। अब प्रोटेस्ट के दौरान ये भी मांग की जा रही है, जो आरजी मुलाजिम थे, जो कर्मचारी थे, वो जब हड़ताल पर गए तो रेगुलर जो लोग काम करने वाले हैं यूटी के अंदर, वो तमाम लोग भी इनको पुश करने के लिए आ गए, वो तमाम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं, और डेली वेजर्स भी बीच बीच में ही सही लेकिन आते ज़रूर हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, उनमें पीडीडी के हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, डिपार्टमेंट के साथ, यानी सबसे ज़्यादा डेली वेजर्स काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ये आर्जी मुलाजिम काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाज करके इन्हें अपने मुतालबात मनवाने पड़ते हैं। ये सूरत हाल आज भी है, आज भी नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत हद तक नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि अब शायद दूरियां भी आप देखेंगे। तब तक मानने को तैयार नहीं है कि एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा, आप लिखित में दीजिएगा सरकारी तौर पर, या पुष्टि इस चीज़ की कीजिएगा कि आपको किसी ने भी नौकरी से नहीं निकाला है। आज राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रांत के अंदर सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, तमाम इलाकों से, यहाँ तक कि रामबन और बनिहाल से लोग जा रहे हैं जो जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से नाराजगी है। श्रीनगर के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां से नॉर्थ में चले जाएं, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला से, जबकि सेंट्रल कश्मीर के बडगाम, गांधरबल और श्रीनगर जिले से भी नौजवान, वो तमाम उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट्स जो इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से कार्यरत थे, लेकिन आज अगर उन्हें निकाला जाता है वो शायद इससे भी खतरनाक रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए एहतजाज की जा रही है, होप्स हो कि चीज़ें बहुत जल्दी समेट जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद आश्वासन दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट भी लगातार कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए खुशी थोड़ी सी है कि कोशिशें और भी तेज़ हो गई हैं ताकि लोग वापस जाकर अपने इलाकों के अंदर काम करें। इसमें परेशानी क्या है कि उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोग काम कर रहे थे, जो खवातीन थी, जो फीमेल कैंडिडेट्स थे या आरजी मुलाजमा उन्हें कह लीजिए या मुलाजमीन थे, वो लोग भी एहतजाज पर आ गए हैं। अब इसके बाद एक वीडियो में दिखाऊंगा जो एहतजाज आज भी चल रहा है, आज एक हफ्ता बीत चुका है एहतजाज के बाद, और कितनी नाराजगी है, इन लोगों की बातें सुनिएगा। वीडियोस में आप तो ये देखेंगे कि नारेबाजी हो रही है अलग अलग इलाकों के अंदर, लेकिन इनकी बात भी आपको सुनाएंगे जहां पर ये दिखाने की कोशिश है कि मौजूदा समय में हालात कैसे हैं। Yeah, I'm going to go to the hospital.
शायर ने खूब कहा है कि बुरे दिन तो फिर भी टल जाएंगे कतील, अहबाब के होंठों की हंसी याद रहेगी। जो हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि 370 और 35 ए के हटाने के बाद यूनिटेरिटी बनाया और कहा कि जेएनके की यूथ को जो है एक नया कश्मीर दिया जाएगा, ये है वो नया कश्मीर कि हमें आपने रोड़ों पर बिठा दिया, हमारी बहनों को रोड़ों पर बिठा दिया। जहां ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस बेटी को आपने रोड पर बिठा दिया और 3.5 साल से हम पूरी जितनी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है उनसे हम बारहा मिले हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके मसले पर काम हो रहा है। और 6-7 दिन के पहले आप एक कमेटी जो है रिकमेंड करती है और जो हमारे साथ इस वक्त जो है इनजस्टिस हो रहा है ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम कंटिन्यू अपनी जस्टिस के लिए बोल रहे हैं इनको, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डिमांडें क्या हमारी, वो बिल्कुल क्लियर है। एक तो जो हमारी पोस्टें डी फ्रीज की गई हैं उनको फ्रीज किया जाए और जो हमारा टाइम पीरियड है 7 साल से उसको 5 साल किया जाए, ताकि ये जितने लोग यहाँ से दूर दूर से आए हैं ये सारा जो इतना मामला बना हुआ है, हम नहीं चाहते किसी पार्टी की बेइज्जती हो यहाँ पे, हम ये चाहते हैं हमें अपना इंसाफ मिले। इतने दिन से हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 डिमांड को लेके है सर, जिसमें हमारा एक तो जो हमारी डिफ्रीज पोस्टें हैं उन्हें फ्रीज किया जाए सभी रेबरेकेल टीचर्स के लिए, और साथ ही जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड लास्ट 3 साल से चलती आ रही है, जो हमारा टाइम पीरियड जो है 7 साल रखा गया है उसे 5 साल किया जाए जैसे बाकी रेबरे स्कीम्स में रखा गया। तो और एक हमारा जो डेलीगेशन है यहाँ से वो अभी देवेंद्र राणा सर से मिलने के लिए गए हैं, 20 से 25 लोग जो हैं वो वहाँ पे अपनी डिमांड रखेंगे। सर हमें एलजी सर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे और एलजी सर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस अगर यूटी के अंदर देखा जाए तो माँ बाप जिसे कहा जाता है वो अभी हमारे एलजी सर ही हैं, वही हमारी इस डिमांड को जो है सुनेंगे, वही पूरा कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी ये डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड से, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांगते, गलत कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप, पीसफुली किया हमने। कल हम ये एक जो रैली निकाली गई वो भी पीसफुली है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमें रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं।